तो आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन से चल रहे हम लोग, तो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। चलिए आंसर दीजिए। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। याद रखेंगे प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। प्राचीन भारत में कृषि के साथ साथ, याद रखिए कृषि के साथ साथ पशुपालन से संबंधित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान समय में बलूचिस्तान में है। याद रखोगे मेहरगढ़ है कहा? बलूचिस्तान में। ठीक है, तो प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत बलूचिस्तान तो प्राचीन भारत ही हुआ, तो उस समय का जो कि उस समय भारत का हिस्सा था, अभी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ पड़ते हैं। यहाँ कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं और साथ ही साथ पशुपालन के भी मिलते हैं। ठीक है, आंसर लगातार आपके सामने दिख रहे हैं, क्वेश्चन में दिख रहे हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं, आंसर देने का काम जरूर से जरूर करें। गलत हो या ठीक है, गलत हो या सही, जरूर से जरूर आप आंसर देने का काम करें। तो प्राचीन भारत में कृषि की प्राचीनतम उल्लेख बलूचिस्तान, बोले तो मेहरगढ़ से मिली, मेहरगढ़, मेहरगढ़ है का बलूचिस्तान में। ठीक, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्राचीनतम उल्लेख मिला है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब तीन है, एक नहीं है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है या नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, क्योंकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का ईस्ट, बोले तो पूर्वी क्षेत्र है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है, पंजाब में रोपर, ये सही। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था ऋग्वेदिक काल के समय? ठीक है, याद रखोगे तो आप देखोगे क्या होगा, गाय को, है ना, गाय को याद रखने का काम करे। किसको? तो गाय को। उस समय आप देखो अधनिया, गाय को अधनिया कहा जाता था, अधनिया। ठीक है, सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया? ठीक है, कब विजित किया? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व, ठीक है, में विजित किया। और हाथी गुम्फा अभिलेख है, याद रखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख, बोले तो रिकॉर्ड्स, उससे पता चलता है कि उस समय कलिंग युद्ध के समय यहाँ का शासक, हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग युद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? तो नंद राज था। कौन था जी? नंद राज। याद रख लीजिए कितने सारे बातें। ठीक है, ऐसे भी पूछे कलिंग युद्ध का राजा कौन? तो नंद राज। किस अभिलेख के आधार पर पता चलता? हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर। निम्न में अजंता के किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है? ठीक है, किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है? तो गुफा नंबर 16 है ना, गुफा नंबर 16 में। यह प्रसिद्ध गुफा जो अजंता की बात की गई, ये देखोगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देखने को मिलती है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान पर स्थित है। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? ठीक है, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई? तो विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नारद स्मृति में, नारद स्मृति में। किस ग्रंथ में विधवा के पुनर्विवाह को अनुमति दी गई है? तो नारद स्मृति में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वैधानिक सुल्तान मतलब कि सुल्तान, आप देखोगे संस्थापक तो ऐबक थे, लेकिन वास्तविक या वैधानिक सुल्तान ऐबक के दामाद इल्तुतमिश थे।
आंसर क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश। भारत में सोहरावादी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाली संस्था, ठीक है, तो लोकप्रिय बनाने वाली लोकप्रिय बनाने वाले सूफी कौन थे सोहरावादी सिलसिला का, सोहरावादी सिलसिला का? तो शेख बहाउद्दीन, शेख बहाउद्दीन, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में तो हुआ, तो कब हुआ इस पर फोकस कीजिए। तो आप देखो 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? तो आप देखो गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में, ठीक है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तार और रेल सेवा की आरंभ की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी, यह देखोगे 1853 में, 1853 में तार एवं रेल सेवा प्रारंभ की गई थी डलहौजी के समय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स, ठीक है, जो कि 1784 में स्थापित ना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक, ठीक है, किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की, ठीक है, है ना? तो ये क्या होगा आंसर? दीन बंधु मित्र, नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीन बंधु मित्र। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो देखोगे इसमें से कोई डेट नहीं है आपके। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफर खां को कहते हैं, इनके पठानों की पार्टी बनाई थी इन्होंने, सीमांत गांधी ने, बदले तो खान अब्दुल गफर खां ने पठानों की पार्टी बनाई थी, और उस पार्टी का नाम क्या था? तो खुदाई खिदमतगार, ठीक है, उस पार्टी का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार, याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी स्थापना 1930 में की गई थी, 1930 में। नेक्स्ट,